जिसका विषय वैश्वीकरण के दौर में भारतीय शिक्षा, और यह समर्पित की है स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को। आज हम दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान माला के नाम पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ ही समय में डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली, जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर भरत शरण सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल, जुड़ने वाले हैं। और हम सब के बीच में डॉक्टर उमाशंकर पतोर जी हैं। हमारे लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि अपने व्यस्त समय में समय निकालकर हम सब लोगों के बीच में माननीय पचौरी जी हैं। स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान माला मासिक होती है और हर माह एक हम राष्ट्रीय विषय पर यह व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं। हमने युवा पर, महिलाओं पर, आर्थिक विषय को लेकर अनेक व्याख्यान माला आयोजित किए हैं। और आज जब भारत के सम्मुख एक वैश्विक चुनौती है, तो ऐसे समय में भारतीय शिक्षा की दिशा क्या होगी, इस विषय को लेकर आज हम सबके बीच में हमारे माननीय वक्ता महोदय अपना विषय रखने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि दत्तोपंत ठेंगड़ी एक राष्ट्रीय ऋषि, एक राष्ट्रीय चिंतक थे, जिन्होंने भारत के अंदर भारत के गरीब समाज, किसान और व्यापारियों के हित में काम किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी एक ऐसे विचारक और चिंतक थे कि जिन्हें मालूम था कि वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के उद्योग, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश का रोजगार में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। इसलिए 1990 के दशक में पूरे देश के अंदर एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की सफलता थी कि कहीं ना कहीं हम इस वैश्वीकरण के खतरे से बचे हुए। ऐसा नहीं कि भारत वैश्वीकरण को स्वीकार नहीं करता है, हम वैश्वीकरण को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पर स्वीकार करते हैं। अगर वैश्वीकरण के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था पर, भारत के रोजगार पर, भारत के कृषि पर और भारत की गरीब जनता पर कहीं कुछ आघात होता है, तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक में जब पूरा देश खुशी मना रहा था और कुछ लोगों के द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा था कि WTO गैट समझौता के कारण भारत में नए नए उद्योग आएंगे, भारत में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, एक सपना दिखाया जा रहा था, लेकिन उन लोगों के द्वारा यह नहीं बताया जा रहा था ये उद्योग हमारे छोटे उद्योग को खत्म कर देंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो हमारे मूल्यों पर आधारित है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे। और अगर आज हम देखते हैं तो यह स्थिति आई है। हम ये जानते हैं कि पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है, एक विकसित देश और एक विकासशील देश है। विकसित देश की आवश्यकता बहुत है और विकासशील देश संघर्ष कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव है। अभी ये विकसित देश अपने नीतियों के माध्यम से छोटे छोटे देश पर अपनी नीति थोपते हैं और उस नीति के माध्यम से उनको वो लोन देते हैं, उनको सुविधा देते हैं और उन सुविधाओं के माध्यम से उनका शोषण करते हैं। ये राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी को मालूम था और इसीलिए उन्होंने कहा था हम इस वैश्वीकरण को अपनाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण को अपनाएंगे। अगर हमारे गरीब का, हमारे मजदूर का, हमारे किसान का इस वैश्वीकरण से दिक्कत होती, आघात होते हैं, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसमें शिक्षा बहुत बड़ी विषय रहा है। हम अगर भारतीय शिक्षा देखें तो भारतीय शिक्षा
गांधी दर्शन के बारे में बताती है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो शिक्षा की बात की वो सबके लिए शिक्षा की बात की, प्रकार गरीब को आर्थिक को सामाजिक रूप से मजबूत होना है तो उसको शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा की बात की उस शिक्षा से अर्जुन को पैदा किया, उस शिक्षा से भगवान राम को पैदा किया, उस शिक्षा से महावीर स्वामी पैदा हुए, उस शिक्षा से गौतम बुद्ध पैदा हुए और हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा पद्धति वैश्वीकरण के दौर में आई वो शिक्षा कहती है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। शिक्षा समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए है, लेकिन इस वैश्वीकरण के दौर में, पूंजीवाद के दौर में शिक्षा कुछ लोगों के हाथ में ना चले इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी। जब मैं सुनता हूं और पेपरों में ऐड देखता हूं, आइए हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, एसी रूम है, एसी बस है, स्विमिंग पूल है, घोड़े हैं, क्रिकेट का मैदान है, तो एक तरफ यह व्यवस्था इस भारत में है, और जब दूसरी ओर मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो ऐसे भी स्कूल हैं बच्चों के जिसमें गर्मी के समय पंखे नहीं है, बरसात के समय इतना पानी भर जाता कि स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, छत पत्ती है और ठंड में खिड़की दरवाजे नहीं है। जिस ग्रामीण क्षेत्र में 60-70% इस देश के नागरिक, देश की जनता रहती हो और वहां ये दुविधा है, और ऐसे समय में अगर भारत को महाशक्ति बनना है, भारत को आर्थिक शक्ति बनना है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही होगा। भारत को पुनः विवेकानंद पैदा करना पड़ेगा, भारत को पुनः गांधी जी पैदा करने पड़ेंगे, और भारत को पुनः डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर दत्तोपंजी ठेंगड़ी पैदा करने पड़ेंगे। इसका अर्थ यह है उनके विचार को अपनाकर समाज जीवन में ऐसे लोग काम करेंगे, तब जाके ये देश आर्थिक और सामाजिक शिक्षित रूप से मजबूत हो सकेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज की इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला, स्वर्गीय दत्तोपंजी ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान माला में मैं पुनः माननीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी का स्वागत करते हुए, आज के इस दौर में वो भारतीय शिक्षा के लिए अपना तन मन धन समर्पित करके समाज कल्याण के लिए पूरा समय देते हैं और पुनः भारतीय शिक्षा को स्थापित करना चाहते हैं जिससे इस देश के समाज का कल्याण हो और भारतीय शिक्षा विश्व जगत में पुनः स्थापित हो। हम विश्व की ओर ना देखें, शिक्षा के लिए हम अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड की ओर ना देखें, भारत में ही ऐसी शिक्षा पद्धति हो कि विश्व के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करें, और ऐसा समय आने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन करें। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भरत शरण सिंह जी, के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध बंधु भगिनी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आया साया पूर्ण कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्यम। विष्णु पुराण का ऋषि कहता है तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म वह है जो हमें बंधन में नहीं बांधता, और सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे। परंतु वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षा की परिभाषा हो गई
सा शिक्षा या नियुक्त नियुक्ति दिला दे में हमको कहीं स्थापित कर दे, इस दृष्टि से शिक्षा को जब परिवर्तित किया गया तब कठिनाइयां होती। अच्छा विषय आज इस व्याख्यान माला के अंतर्गत रखा गया है, वैश्वीकरण के दौर में भारतीय शिक्षा। भारत की अपनी विशेषता है, शिक्षा के चार काम होते थे, अच्छा बनाना, जो अच्छा बन जाए उसे बलवान बनाना, जो अच्छा और बलवान हो उसे निपुण बनाना, निपुण को विद्वान बनाना, ये चार काम शिक्षा के सनातन काल से भारत ने स्वीकार किए हैं। इसलिए संस्कार देकर उसको अच्छा बनाना, केवल अच्छे से काम नहीं चलता तो उसको सबल बनाना, बलवान बनाना, और तब जगत के कल्याण के लिए उसे निपुण बनाना, और अंततः परमात्म प्राप्ति के लिए उस निपुण व्यक्ति को विद्वान बनाना। वैश्वीकरण के इस दौर में भी भारतीय शिक्षा की यही मान्यता, यही परंपरा अपेक्षित है, आवश्यक है। गड़बड़ यहां हुई कि वैश्वीकरण के नाम पर ग्लोबल विलेज की संकल्पना तो की गई और तेन त्यक्तेन भुंजी था को भुला दिया गया। त्याग पूर्वक उपभोग, ये भारत की अपनी मान्यता थी, इस मान्यता के अनुरूप ही यहां की शिक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति की स्पष्ट मान्यता है नित्य नूतन चिर पुरातन, अपनी जड़ों को बिना छोड़े नित्य नूतन बने रहना। वैश्वीकरण के दौर में हमको जरा भी कठिनाई नहीं, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम इस अवधारणा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए पूरी दुनिया अगर आज कल्याण चाहती है, शांति चाहती है, तो उसे भारतीय शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान मुकुल कानिटकर जी ने कहा था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बने, यही इस वैश्वीकरण के दौर की आवश्यकता है। कोरोना की इस महामारी ने दुनिया को अच्छी तरह से ये समझा दिया, ये संसार काम के नहीं है। जब तक व्यक्ति के अंदर का संस्कार ठीक नहीं है, उसका भाव ठीक नहीं, करने के गुण उसके अंदर नहीं आते, तब तक वह शिक्षित नहीं है। क्लासरूम के माध्यम से रटी रटाई शिक्षा पद्धति, मुझे इससे कुछ नौकरी मिल जाए, पैकेज मिल जाए, नौकर बनाने वाली शिक्षा पद्धति, यह दुनिया का कल्याण करने वाली शिक्षा पद्धति नहीं है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा ने वैश्वीकरण में दूसरे के हित को प्रधानता देने का भाव कहीं नहीं रखा, पाठ्यक्रम के अंदर उसे ये पढ़ाया नहीं जाता कि अपने हितों का परित्याग करके दूसरे के हित को साधने वाला व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में यही स्थिति थी। पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण राम दुनिया में महान हुए, और माता की आज्ञा की अवहेलना करके भरत दुनिया में महान हुए।
बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। केवल माता की आज्ञा का पालन करना पर्याप्त नहीं है, माता की आज्ञा पालन करने से अगर मुझे राज्य मिलता है और मेरी प्रजा के सामने में कोई आदर्श नहीं रख सकता तो ऐसी आज्ञा पालन जगत का कल्याण नहीं कर सकती, यह रामचरितमानस की शिक्षा है। भरत ने यदि कैकेयी की आज्ञा मानकर राज्य स्वीकार कर लिया होता तो आज हम भरत शरण सिंह जी को इस कार्यक्रम का अध्यक्ष नहीं बना रहे होते। उसके मूल में यही है, भरत इसलिए महान है क्योंकि अपने हितों का परित्याग करने के बाद त्याग के माध्यम से समाज के सामने क्या रखा जा सकता है। राम बहुत महान थे क्योंकि प्राप्त राज्य को त्याग करके चले गए, परंतु भरत उनसे भी ज्यादा महान थे, ये भारतीय शिक्षा की निष्पत्ति है। इसलिए जब वशिष्ठ जी से पूछा किसी ने, आप दोनों में से किसको महान कहते हैं, तो अभिमत निकाला गोस्वामी जी ने, राम लखन सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तन कसही। राम सीता लक्ष्मण वन में रहते हैं, भरत नंदी ग्राम में रह के वही तपस्या कर रहे हैं। दो दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगू, हर प्रकार से भरत सराहना करने योग्य है, राम से अधिक श्रेष्ठ। ये भारतीय शिक्षा पद्धति है जो प्रत्येक व्यक्ति को त्याग सिखाती है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब दुनिया को आप ग्लोबल विलेज बनाना चाहते हो, तब प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी अधिकतम क्षमता के अनुरूप उत्पादन करे और उस उत्पादन को समस्त विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दे, जगत का कल्याण करने वाली शिक्षा है, जो भारतीय शिक्षा है, जो गुरुकुल की शिक्षा है, जो मनोमुखी से गुरुमुखी बनाने वाली शिक्षा है, जो भोग के ऊपर त्याग की प्रधानता स्थापित करने वाली शिक्षा है। व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं का प्रस्फुटन करेगा, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करेगा और उस अंतर्निहित शक्तियों के प्रस्फुटन के पश्चात होने वाले उत्पादन को संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेगा। भारतीय शिक्षा के अलावा पूरी दुनिया में और कोई शिक्षा पद्धति नहीं जो इस वैश्वीकरण के दौर में सर्वाइव कर पाए, जो इस वैश्वीकरण के दौर में बचा पाए। भरद्वाज नाम हमने सुना है, प्रयाग में रहते थे, भारद्वाज कहते हैं, भरतवाज ये सिद्धांत था जिसके कारण भरतवाज से वे भरद्वाज बने। कृषि विश्वविद्यालय का संचालन करते थे और उनके द्वारा प्रणीत कृषि की विविध विधियां, विभिन्न आविष्कार इतने प्रभावी थे कि अन्न का उत्पादन पूरे विश्व में सर्वाधिक ढंग से करने में वे सक्षम थे। अन्न के भंडार भरे हुए थे उस विश्वविद्यालय में। जब अकाल पड़ा, पूरे देश से लोगों का आना शुरू हुआ, भरद्वाज जी के एक शिष्य ने उनसे निवेदन किया, गुरु जी अकाल पीड़ित लाखों लोग चले आ रहे हैं, अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, अन्न क्षेत्र बंद कर दीजिए, क्योंकि लाखों क्षुधा पीड़ित लोग एक ही दिन में ये सब चौपट करके जाने वाले हैं। अद्भुत उत्तर है मित्रों भरद्वाज जी का, ये अन्न लोगों की भूख को बुझाने के लिए उत्पादित होता है, यदि अपने मूल प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाया तो अन्न उत्पादन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इसलिए निश्चिंत होकर सारे दरवाजे खोलो, सेवा भाव को और बढ़ाओ, एक भी क्षुधा पीड़ित व्यक्ति यहां से भूखा नहीं जाना चाहिए। अन्न समाप्त हो जाए तो हम सब भी उनके साथ चलेंगे,
जब तक हमारे पास अन्न है तब तक एक भी व्यक्ति भूखा नहीं होना चाहिए। विश्व को कुटुंब मानने का इससे श्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। दूसरे भूखे को देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेना, मेरे पास 11 महीने का अन्न है तो एक महीने की चिंता में सूख जाना, ये भारतीय शिक्षा नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमारे ऋषियों ने हमको सदैव समझाया त्याग पूर्वक उपभोग करो। ये त्याग पूर्वक उपभोग भारतीय शिक्षा का मूल है। दूसरे के हित के लिए मैं कितना अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता हूं, प्रदर्शित कर सकता हूं, उस योग्यता की श्री वृद्धि कितनी कर सकता हूं, इसलिए भारतीय शिक्षा में अपने भोग के लिए सामग्री एकत्रित करने वाला रावण और अपनी प्राप्त सामग्री को जनता के लिए समर्पित करने वाला राम, अपने भोग के लिए सामग्री एकत्रित करने वाला कंस और अपने माखन में से दूसरों को खिलाकर उन्हें पुष्ट करने की प्रेरणा देने वाला कृष्ण, ये भारत की शिक्षा है। वैश्वीकरण के दौर में भारत की इस शिक्षा को वास्तविक रूप में लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए आत्मनिर्भर गुरुकुल, सर्वसमर्थ गुरुकुल, गुरु को शिक्षा के मूल में मानते हुए अपने मन को नियंत्रित करने वाले बालक, अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित करने वाले बालक, विश्व के सब प्रकार के अनुसंधान करने वाले बालक और उन सारे अनुसंधानों को अपने लिए पेटेंट न कराते हुए जगत के कल्याण के लिए समर्पित करने वाले बालक, इन गुरुओं से ही कृष्ण और सुदामा एक साथ इन गुरुकुलों से निकले, परंतु दुर्भाग्य से पाश्चात्य प्रभाव के कारण हम गुरुकुलों की इस शिक्षा के महत्व को दुनिया के सामने स्थापित करने से चूक गए। कृष्ण और सुदामा की लीला भी ऐसे प्रदर्शित की जाने लगी जैसे सुदामा अत्यंत दरिद्र हो। वास्तव में तो उस लीला का निहितार्थ यह है कि सुदामा दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, धनार्जन जिनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है, इसलिए वो कहते हैं औरन को धन चाहिए बावरी, बांभन के धन केवल भिक्षा। भिक्षा मतलब भिष, भिष यानी औषधि, भेषज। धन जिसके लिए केवल औषधि की तरह है, केवल जीवन को बचाए रखने के लिए धन का प्रयोग करता है, सुदामा की धन्यता की परीक्षा करनी हो तो इससे नहीं होगी कि आपने कितना धन अर्जन किया। सुदामा की श्रेष्ठता नहीं है तो प्रश्न पूछिए, सुदामा ने दर्शन शास्त्र के कितने ग्रंथ लिखे, सुदामा के कितने विद्यार्थी दर्शन में निष्णात हुए। इसलिए सुदामा कृष्ण के पास सहायता मांगने जाते हैं तो अपने लिए धन नहीं, गुरुकुल स्थापित करना राज्य का कार्य है, उसके लिए सहायता मांगने जाने वाले सुदामा। इसलिए बराबर सम्मान के साथ मिलने वाले कृष्ण, ये भारत की शिक्षा पद्धति है जो वैश्वीकरण के इस दौर में भी अपनी श्रेष्ठता रखती है। केवल अपनी श्रेष्ठता नहीं रखती, विश्व की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान भी यह है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में रत यह भारत और दुनिया को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कराने की सामर्थ्य रखने वाला भारत, उस भारतीय पूरे दुनिया का कल्याण करेगा। भारतीय शिक्षण मंडल निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है। जो गुरुकुल स्थापित हुए हैं, आप में से कुछ लोग अगर जाकर देखना चाहें तो कर्णावती का साबरमती गुरुकुल आप देखिए, जहां एक बालक अपने पहने हुए कुर्ते को देखकर इठला रहा था। एक प्रोफेसर जो वहां गए हुए थे उन्होंने पूछा, तुम इस कुर्ते को देखकर इतने दर्प से भरे हुए क्यों हो? उस बालक का अद्भुत उत्तर है, मित्रों इसलिए
क्योंकि इस कुर्ते में लगने वाले सूत के लिए कपास की बुवाई मैंने की, उसकी निराई मैंने की, गुड़ाई मैंने की, कपास तोड़ने का काम मैंने किया, सूत बुनने का काम मैंने किया, इस कपड़े को बनाने से लेके रंगने तक और सिलाई तक का काम मैंने किया है। यह कुर्ता पूरी तरह स्वदेशी कुर्ता है, मेरे अपने प्रयत्न से बना हुआ कुर्ता है, इससे अधिक आनंद देने वाला कोई और काम मेरे लिए नहीं हो सकता। ऐसे सर्वांगीण बालकों के निर्माण की शिक्षा थी भारतीय शिक्षा। जब ये विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बन जाएगी तो निश्चित रूप से विश्व में जो प्रतिस्पर्धा है, जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, दूसरे की टांग खींच के उसे पीछे लाकर अपने को आगे ले जाने की प्रतिस्पर्धा है, वह समाप्त होगी। क्योंकि तब श्रेष्ठता संपन्नता से नहीं आंकी जाएगी, तब श्रेष्ठता त्याग से आंकी जाएगी। इस समाज में राजा ऋषियों के चरणों में अपने मुकुट रखता था भारतीय शिक्षण पद्धति। गड़बड़ बस यही हो गई। महाभारत और रामायण का यही अंतर है। जब दशरथ अपने पुत्रों को गुरुकुल भेजते ही वशिष्ठ जी के पास, तब उनके अंदर त्याग का भाव निर्मित होता है और तब अयोध्या का राज्य फुटबॉल बना हुआ होता है। आपको रिपोर्ट तो आज करना है, तुझे करना है। और भरत ने लिखा है, मैं का सेवक स्थापित होता है। शिक्षा का यह रूप परिवर्तित हुआ। आचार्य जब राजकुल में पहुंचकर बच्चों को शिक्षा देने लगता है, शिक्षक जब सरकारी हो जाता है, द्रोणाचार्य बन जाता है, तब महाभारत होता है। एक शिक्षक के सरकारी बनने से महाभारत हो गया, शिक्षा असरकारी हो गई, कम असरकारी हो गई। ऐसी स्थितियों को फिर से परिवर्तित करने के द्वारा ही हम इस पूरे विश्व को त्रासदी से बचा सकते हैं, भयावह स्थिति से बचा सकते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं से बचा सकते हैं। क्योंकि भारत की शिक्षा ने तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या सिखाया था। आज ग्लासगो सम्मिट करके ये विश्व पर्यावरण की चिंताओं को व्यक्त कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जब भूमि को माता माना जाएगा, हम उसके पुत्र हैं, तो कोई पुत्र अपनी माता को विदीर्ण कैसे कर सकता है, क्षति कैसे पहुंचा सकता है। एक जमाने में सारी चीजों को दकियानुषी कहकर खारिज किया गया, प्रकारांतर से उन्हीं सारी चीजों को प्राप्त करने की दिशा में विश्व फिर लौट रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय शिक्षा पद्धति अत्यंत प्रभावी भूमिका में है। दुनिया के सारे देश इसका अध्ययन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत में अभी भी उस पद्धति को समझने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि तथाकथित पढ़े लिखे लोग अभी भी पाश्चात्य दृष्टि से उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। समय आने वाला है जब नालंदा और तक्षशिला के लिए दुनिया के विद्वानों की यहाँ लाइन लगा करती थी, वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और यूरोप के भारतीय दूतावासों के सामने भारत के गुरुकुलों में पढ़ने वालों की बड़ी श्रृंखला होगी, यहाँ के लिए वीजा मांगने वाले लोगों की भीड़ लगेगी। ईश्वर करे यह दिन हम सब अपनी आंखों से अति शीघ्र देख सकें। इस आशा के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। साउंड ऑफ है, साउंड। धन्यवाद माननीय। आपने जो भगवान राम और भरत का
इतना श्रेष्ठ उदाहरण दिया है। निश्चित रूप से आज हमारे इस ग्रुप में जो लोग, जो स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, जो संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर ये विषय था। और किस तरह आपने बताया कि वैश्वीकरण के कारण तो विश्व ने नौकर पैदा किए हैं, ये हित में नहीं है। इसलिए त्याग की शिक्षा चाहिए हमको, समर्पण की शिक्षा चाहिए। और इतना अच्छा एक गुरुकुल का आपने उदाहरण दिया, निश्चित रूप से आपका विषय हम सबके लिए बड़े ही मार्गदर्शन के रूप में होगा। और जो हमारे शोध छात्र आज के इस कार्यक्रम में हैं, जुड़े हैं, उनके लिए एक मार्ग बताएगा और उस पर चलकर हम इस भारतीय शिक्षा पद्धति को और मजबूत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ऐसे ही मार्गदर्शन पूरे विश्व को, पूरे भारत को मिले। निश्चित रूप से विश्व हमारे ओर देख रहा है और आने वाला समय भारत की ही जय जयकार का होगा। और उसमें जो विषय शिक्षा ही होगी, और जो जो विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को एक विवेकानंद की आवश्यकता नहीं है, और हम सब देखते हैं कि डॉक्टर उमाशंकर जी उसी विवेकानंद के विषय को लेकर जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उनके मार्ग को पहुंचा रहे हैं। और आज अनेक विवेकानंद हमारे सामने हैं, ऐसे हम सब के बीच में डॉक्टर उमाशंकर जी भी हैं। हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ऐसे ही आशीष आपका बने रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अश्विनी महाजन जी हम सबके बीच में हैं। डॉक्टर अश्विनी महाजन जी एक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री के रूप में भारत के स्वदेशी मॉडल को विश्व के पटल पर रखने वाले हैं। और दत्तोपंजी का जो विचार, जो विश्व को देन था, वो विषय पूरे जन जन तक ले जाने वाले हम सबके मार्गदर्शक, और मेरे लिए तो वो मार्गदर्शन है ही, मेरे जीवन में मार्गदर्शन उनका बहुत है। और ऐसे चिंतक, विचारक, लेखक डॉक्टर अश्विनी महाजन जी से मैं निवेदन करूंगा आज के इस विषय में, दत्तोपंजी ठेंगड़ी व्याख्यान माला में, वैश्वीकरण के दौर में भारतीय शिक्षा के विषय पे हम सबको संबोधित करें माननीय अश्विनी महाजन जी। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे आदरणीय भारत शरण सिंह जी, अपने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल से आदरणीय उमा शंकर पचौरी जी, और इस वेबिनार में, इस दत्तोपन ठेंगड़ी व्याख्यान माला में उपस्थित विद्वज्जन भाई और बहनों, हम पिछले लगभग 30 वर्षों से भूमंडलीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। और भूमंडलीकरण के इस दौर में शिक्षा का जो ह्रास हुआ है उसको भी हमने देखा है। आज जैसा कि उमाशंकर जी बता रहे थे कि शिक्षा आज के दौर में एक जीवन यापन, एक नौकरी का साधन बन करके रह गई है। और ऐसी शिक्षा पद्धति जो हमें विदेशी शासनकाल के दौरान मिली और जो हमें विरासत में मिली, क्योंकि जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जो हमारी असरकारी, जो हम कहें नॉन गवर्नमेंटल शिक्षा की व्यवस्था थी, वो प्राइवेट व्यवस्था नहीं थी, वो समाज के द्वारा, समाज के लिए स्थापित शिक्षा पद्धति थी। उसका जिक्र आदरणीय उमाशंकर जी ने किया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन
जो विदेशी शासन काल के दौरान मैकाले की शिक्षा पद्धति हमें मिली, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य अपने शासन को निरंतर चलाए रखने के लिए आवश्यक नौकरी के लिए उत्सुक, सरकारी नौकरी के लिए उत्सुक ऐसे युवाओं का निर्माण करना था, जिसमें वो सफल भी हुए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि आजादी मिलने के बाद भी हमने उसी शिक्षा पद्धति को आगे जारी रखने का निर्णय ले लिया, और उसी प्रकार से युवाओं में नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी पाने की जो आकांक्षा है, उसमें यदि युवाओं में से 4-5% को नौकरी, किसी कंपनी में नौकरी या कोई सरकारी नौकरी मिल जाती थी, तो 95% युवा उससे अभागे रह जाते थे। तो ऐसे में समाज में कुंठा निर्माण करने का भी काम उस शिक्षा पद्धति ने किया। हम जानते हैं कि कैसे कोई पियून की नौकरी के लिए भी लाखों की तादाद में आवेदन प्राप्त होते हैं, और उसमें भी ऐसे बहुत से आवेदन होते हैं जिसमें अभ्यर्थी ने पीएचडी किया है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं आज हमारे देश में लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा लोग हर वर्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं, जबकि जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, मल्टीनेशनल कंपनियों या बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास जो इंजीनियर्स की मांग है वो किसी भी साल 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे लाखों की संख्या में इंजीनियर या तो बिना नौकरी के हैं या ऐसी नौकरी करने के लिए विवश हैं जिसके लिए उनकी शिक्षा उसके अनुरूप नहीं है। ये केवल इंजीनियर्स के साथ नहीं हो रहा है, यह लगभग हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त की हुए युवक के साथ हो रहा है। जब हम सरकारी आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे युवकों में है, यानी ऐसी शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त कर ली जो हमें अनएम्प्लॉयबल बनाती है, यानी हम मैनुअल लेबर करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और जिस प्रकार के काम के लिए हमारी इच्छा है, जिस तरह के काम के लिए हमने शिक्षा प्राप्त की है, उस प्रकार का कार्य उपलब्ध नहीं है। भूमंडलीकरण के दौर में हमने एक तरफ देखते हैं कि भारत के युवा पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अपना एक स्थान भी बना रहे हैं, यानी हमारे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर उनको कोई अवसर मिलता है तो वो
उस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर अपना स्थान उस संस्था में, उस व्यवस्था में बना करके ही छोड़ते हैं और उसका साक्षात उदाहरण है। भूमंडलीकरण के इस दौर में भी हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय युवाओं ने, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना एक स्थान बनाया। और आज भारत के युवाओं को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे कुछ दिन पूर्व एक संदेश प्राप्त हुआ। कई बार कुछ संदेश ऐसे दिल को छू जाते हैं, वास्तविकता को बयां करते हैं, मैं वो आपके साथ साझा करता हूं। संदेश ये था कि अमेरिका के एक बहुत बड़े विचारक चिंतक, वो कहते हैं कि आज से कुछ दशक पहले जब हमारे बच्चे थाली में कुछ, अपने भोजन में से कुछ अन्न, कुछ सामान छोड़ देते थे, तो हम कहा करते थे, ऐसा वो विचारक कहते हैं, ऐसे हम कहा करते थे कि थिंक ऑफ दोज हंग्री चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, दोज हु आर स्टार्विंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। लेकिन उन्होंने कहा, यानी आप ऐसे भूखे बच्चों के बारे में सोचो, भारतीय बच्चों के बारे में, जिनको भोजन नहीं मिलता है और आप भोजन बेकार कर रहे हो। उसने कहा कि आज समय बदल गया है, आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जल्दी से अपना होमवर्क पूरा कर लो, पढ़ाई लिखाई ठीक कर लो, अगर नहीं करोगे तो कल भारत के बच्चे आकर के यहां पर आपकी कंपनियों के सीईओ बन जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय बच्चों में, भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। मैं कई बार इसके बारे में विचार करता हूं कि ऐसा क्या है भारत में कि हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का जो मस्तिष्क है वो इतना, क्षमता है वो इतनी ज्यादा क्यों है, हमारा हमारा दिमाग इतना तेज क्यों है, इतना तीक्ष्ण क्यों है। तो मैं विचार करता हूं कि भारत की भूमि ही ऐसी है कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत है, जितना वो भारत का है उतना ही वो चीन का भी है, लेकिन हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, उसके आगे कुछ जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, हिमालय पर्वत एक बूंद भी पानी चीन को नहीं देना चाहता है। जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सब हिमालय पर्वत से सीधा भारत को आती हैं, केवल एक नदी ऐसी है जो चीन को से होकर के निकलती है, वो भी भारत वापस पे आ जाती है। मेरा संकेत ब्रह्मपुत्र की तरफ है। वो जो ऐसी नदियां निकलती हैं और जो हजारों नदियां हमारे देश में फैली हुई हैं, अपने साथ जो मृदा लाती हैं, अपने साथ जो
उर्वर मिट्टी लाती हैं, उर्वरक उर्वर के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और पूरे हमारी भूमि को सक्षम बनाने के लिए जो उर्वर मिट्टी निकलती है वो आती है और हमारे पूरे प्लेन्स में फैल जाती है, जिसके कारण भारतीय डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। अब दुनिया में कहीं चले जाइए, मिट्टी को खोदेंगे तो 2-3-4 फुट के बाद कंकड़ आने शुरू होंगे। भारत के डेल्टा में आप खोदते चले जाइएगा, खोदते चले जाइएगा कि किलोमीटरों तक आपको मिट्टी ही मिट्टी, उर्वर मिट्टी मिलती है। और उस मिट्टी से जो अन्न निकलता है, अन्न उपजता है, वो हम जब खाते हैं, जो हमारी फ्लोरा और फौना है, जो हमारी जैव विविधता है, उसका हम उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क तीक्ष्ण होते हैं और हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। हमारे दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इसमें हम अपने अनुभव से पता लगाया, कहीं पर भी हम जाते हैं दुनिया में, मैं एक बार लंदन गया, वहां किसी से रास्ता पूछिए, उनको ठीक प्रकार से रास्ता बताना नहीं आता है। हर लंदन निवासी के पास एक ट्यूब मैप होता है, एक नक्शा होता है, जिसका इस्तेमाल करके हर वो क्षण देखते हैं कहां से कहां जाना है। मैंने नहीं देखा हमारे दिल्ली में या किसी और स्थान पर कोई नक्शा लेकर के साथ चलता है, क्योंकि हमारे बालकों को हर गली का, हर नुक्कड़ का, हर टर्निंग का, और उस टर्निंग पर कितने खड्डे हैं, उस सड़क पर पूरे कितने खड्डे हैं, उसका भी ज्ञान होता है। इतना तीक्ष्ण दिमाग होता है। मैं जब पूछता था किसी विदेशी से तो उसको 15 मिनट लगते थे समझाने में कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो मैं कैसे जाऊं, लेकिन मैं किसी भारतीय से पूछता था तो 5 सेकंड में बताता था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश में प्रतिभा की, हमारे देश में दिमाग की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ने, जो अंग्रेजों से हमें मिली, उसको हमने आगे चलाया, उस शिक्षा पद्धति ने हमारे युवाओं को नकारा बना दिया। केवल नौकरी, सरकारी नौकरी या बड़ी कंपनी की नौकरी, इसके लिए हम सारे प्रयास करने लगे और नौकरी न मिलने पर हम कुंठित हो जाते, कई लोग आत्महत्या कर लेते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अनुभव किया कि जो भूमंडलीकरण के दौर में हम विदेशी कंपनियां, विदेशी पूंजी, विदेशों से आने वाले आयात, इस पर हम इस कदर निर्भर हो गए कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब आप कल्पना कीजिए, अगर हम कोई सामान अपने देश में बनाते हैं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, उस नाते से बताता हूं, मैं अपने देश में कोई सामान बनाता हूं तो उसके लिए कच्चा माल, कच्चे माल से उसकी मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं से आगे कुछ और निर्माण, और अंतोद्गत्वा फाइनल वस्तु का उत्पादन, इस बीच में कितने लोगों को रोजगार मिला,
कितने प्रकार की सेवाओं का हमने उपयोग किया, कितने प्रकार की प्रौद्योगिकी का हमने उपयोग किया, अपने देश में चीजों को और बेहतर बनाने की तरफ हम आगे बढ़े, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, उसको हमने आगे बढ़ाया, उससे हमारी जीडीपी बढ़ी। लेकिन अगर वही सामान हम विदेश से आयात करते हैं, चीन से आयात करते हैं, चीन से आयात करते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? बंदरगाह से सामान आया, हमने ट्रक में लादा और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया, कितने रोजगार का निर्माण हुआ, कितना जीडीपी बढ़ा? जीडीपी बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है, रोजगार भी केवल वहां से सामान उठा करके उपभोक्ता तक पहुंचाने तक का रोजगार हुआ। उसी प्रकार से विदेशी कंपनियां आती हैं, ऐसी प्रौद्योगिकी लाती हैं जो अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए उपयुक्त है, स्वाभाविक तौर पर वहां पर श्रम की कमी है, वो श्रम को बचाने वाली तकनीक अपनाते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो ऐसी तकनीक यहां भी लाएंगे जहां रोजगार का सृजन ही नहीं होगा। हम कई बार मजाक करते हैं कि आजकल तो ऐसी ऐसी प्रौद्योगिकी आ गई है कि एक मशीन आ जाए तो बस केवल दो प्राणियों की जरूरत होगी। तो कौन दो प्राणी? एक कुत्ते की जरूरत होगी जो ये देखे कि कोई मशीन को हाथ ना लगाए, और दूसरा एक गार्ड जो कुत्ते को समय पर भोजन करा दे। बस ये दो प्राणी चाहिए, रोजगार नहीं होगा। तो ऐसे में जब विदेशी पूंजी आती है तो भी रोजगार घटता है, विदेशी सामान आता है तो भी रोजगार घटता है। लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में हमने ऐसा स्वीकार कर लिया कि देश को संचालन का, अर्थव्यवस्था के संचालन का मात्र एक यही रास्ता है, और उसके कारण हमने देखा कि युवाओं में बेरोजगारी और कुंठा ये दोनों बढ़ने लगे। ऐसे में पूरी दुनिया में एक पुनर्विचार हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि बी अमेरिकन बाय अमेरिकन। पूरी दुनिया में अपने अपने ढंग से स्वदेशी को लाने की कोशिश हो रही है। और भूमंडलीकरण के जो दुष्परिणाम हैं वो जब सामने आने शुरू हो गए तो ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जो भी हाल फिलहाल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई रस्टिंग फैक्ट्रीज, मेरी उन फैक्ट्रियों में जहां जंग लग गया है मैं उनको दोबारा शुरू करना चाहता, और उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, चाहे ट्रेड वार करनी पड़े वो करूंगा। तो ट्रेड वार का जमाना आ गया, यानी व्यापार युद्ध, चीन से आने वाले सभी सामानों पर मैं अब भारी टैक्स लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, ताकि वो सामान ना आ सके। वो सामान नहीं आएगा तो अमेरिका में सामान बनेगा, अमेरिका में रोजगार निर्माण होगा और अमेरिका के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये केवल अमेरिका में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में इसी प्रकार की लहर चलने शुरू हुई। इसको नाम दिया डी ग्लोबलाइजेशन, रीथिंकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। भारत में भी इस प्रकार का पुनर्विचार शुरू हो गया, और
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग के डाउनफॉल की थी। इतना अधिक मैन्युफैक्चरिंग का डाउनफॉल आ गया था कि हमारे हमारी फैक्ट्रियां लगभग बंद हो गई थी। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा आप मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां थी, चाहे वो केमिकल की फैक्ट्रियां थी, चाहे वो साइकिल बनाने की फैक्ट्रियां थी, चाहे वो खिलौना बनाने की फैक्ट्रियां थी, चाहे वो कोई भी टेलीकॉम का सामान बनाने की फैक्ट्रियां थी, चाहे वो केवल एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमने 100% ड्यूटी लगा रखी थी, यानी सामान बाहर से नहीं आने देते थे, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को हमने प्रोटेक्ट करके रखा था, उसका संरक्षण करके रखा था। बाकी सभी क्षेत्रों में, एपीआई के क्षेत्र में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाइयां बनाने का जो कच्चा माल होता है, हर क्षेत्र में विदेशी सामान इतना आने लगा कि हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। और कई जगह पर तो हमारी जो मशीनों को, कबाड़ी को बेचना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। तो नरेंद्र मोदी जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया, मेक इन इंडिया, क्या ये भारत में बनाते हैं, जो कुछ भी होगा भारत में बनाएंगे। लेकिन भारत में निर्माण की बात तो की, लेकिन उनके जो कुछ सलाहकार थे उन्होंने कहा कि टैरिफ अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे अक्षमता हो जाएगी, तो इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाया। स्वदेशी जागरण मंच जिससे मैं आता हूं, हम लोगों ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया कि जब तक आप टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप बाहर से आने वाले सामान को नहीं रोकेंगे, तो देश में उत्पादन नहीं बढ़ सकता, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो ऐसे में 2018 में भारत सरकार ने इसके बारे में कदम उठाने शुरू किए, बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया, बाहर से आने वाले सामान पर जो डंपिंग होती थी उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई, कई बार स्टैंडर्ड्स का निर्माण किया, जो घटिया सामान बाहर से आता था हमने ऐसे मानक बनाए, इसके कारण सामान आना कम हुआ। रेसिप्रोसिटी क्लॉज लगा करके अगर कोई मुल्क हमारे सामान को नहीं खरीदता है उस प्रकार का, और हमारी कंपनियों को अनुमति नहीं देता है, तो हम भी उनकी कंपनियों को अनुमति नहीं देंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे। जैसे टेलीकॉम है, चीन हमें हमारा सामान नहीं खरीदता है तो हम चीन का टेलीकॉम का सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा निर्णय हुआ। ऐसे सब कारणों से जो डीग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है भारत में भी शुरू हो गई। अब हर कोई वैश्वीकरण पर पुनर्विचार कर रहा है। इस बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना के अंदर हमने देखा कि ऐसी स्थितियां थी कि हमारे देश में फेस मास्क नहीं बनता था, पीपीई किट्स नहीं बनती थी, हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी। ऐसे में देश ने उस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि हम किसी भी हालत में चीन से सामान नहीं खरीदेंगे, हम वो सामान खुद बनाएंगे। और देश ने देखा कि कैसे हमने न केवल अपनी जरूरत के वेंटिलेटर खुद बनाए, बल्कि आज दुनिया को हम वेंटिलेटर सप्लाई कर रहे हैं। न केवल हमने पीपीई किट्स बनाई, हम पूरी दुनिया को पीपीई किट्स सप्लाई कर रहे हैं। न केवल हमने अपने लिए टीका बनाया, हम पूरी दुनिया को टीका सप्लाई कर रहे हैं। हम न केवल अपने लिए दवाइयां बनाते हैं, हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। धीरे धीरे करके हमारे इम्पोर्ट्स पर भी अंकुश लगना शुरू हुआ और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने शुरू हो गए। और अपने देश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी,
हमारे देश में इतना अन्न पैदा होता है कि इस पूरे कोरोना काल के अंदर सरकार ने ही 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों के परिवारों को हमने मुफ्त राशन भी दिया। यानी हमने इस कोरोना का मुकाबला बड़ी मजबूती से किया। कोरोना से लगभग थोड़ा समय पहले हमने देश में एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में उसका जिक्र करना और उसके माध्यम से हम किस प्रकार से देश में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ संकेत करना चाहूंगा अगले 5 मिनट में। हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है अभी तक की, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य करता हूं, तो हम देखते हैं कि हमने इतने लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स कराते हैं, उतने लोगों के हिस्ट्री के लोगों की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। इतने लोगों को हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कराते हैं, इतने लोगों को हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराते हैं, इतने लोगों को हम बीए प्रोग्राम के कोर्स में पढ़ाते हैं, और मैंने अभी इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया ही। जिस प्रकार के विद्यार्थियों को हम तैयार करते हैं उनके एम्प्लॉयबिलिटी में कमी आती रहती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लाए गए। सबसे पहला बदलाव तो ये लाया गया कि जो हम हमारे जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, उसमें कमी रहती है। उस कमी के रहने का कारण यह है कि हमारी जो प्राइमरी शिक्षा रहती है वो हम कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में हो, जबकि जो बालक है, जो बच्चा है, हमारी बच्चियां और बच्चे, वो अपनी माँ से सीखते हैं और उसकी माँ की जो भाषा रहती है जिसको मदर टंग बोलते हैं, उसमें उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो सकती है। तो ऐसे में प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में हो, यह एक बदलाव प्राइमरी लेवल पर जो जिसको हम रेखांकित कर सकते हैं वो आया। उससे हमारे बच्चों में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना बेहतर तरीके से हिंदी में बात कर सकता हूं, हो सकता है मैं अपनी अभिव्यक्ति उतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी में भाषा में ना कर पाऊं। तो ऐसी कुंठा नहीं रहनी चाहिए देश अपने लोगों में कि मैं हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं। तो अपनी मातृभाषा के प्रति एक स्वाभिमान का जो काम है, जब हम जैसे ही मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं तो मातृभाषा के लिए एक स्वाभिमान आता है। जब हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो मैं केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस ही क्यों पढ़ूं, केवल और केवल अर्थशास्त्र ही क्यों पढ़ूं, केवल और केवल हिस्ट्री ही क्यों पढ़ूं। इसके साथ ही साथ यदि मेरी इच्छा कुछ साइकोलॉजी के बारे में जानने की भी है, कोई मेरी इच्छा कुछ कंप्यूटर साइंस जानने की भी है, कोई मेरी इच्छा दूसरे क्षेत्र में कुछ काम करने की है, तो मेरे पास ऐसा अवसर होना चाहिए कि मैं उन
सब्जेक्ट्स के बारे में भी, उन विषयों के बारे में भी पढ़ाई कर सकूं, इसका भी, इसकी भी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। साथ ही साथ मैं कई बार, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता के नाते मेरा कई बार कई उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भी हमारी बातचीत होती है। कोई ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होंगे, कोई सेवा के क्षेत्र में होंगे, सर्विस सेक्टर जिसको कहें, कोई केमिकल के क्षेत्र में है, कोई कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। मैं जब उनसे पूछता हूं कि आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या आती है एम्प्लॉयमेंट देने में, उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयज हैं हमारे पास आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं लंबे समय तक, साल 6 महीने, और 1-2 साल के बाद हमें छोड़ करके चले जाते हैं। यानी एट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ हम रोजगार देने से डरते भी हैं कि इनको रोजगार देंगे तो पता नहीं ये फिट होगा कि नहीं होगा। ऐसे में अपने देश में बहुत पहले से ये व्यवस्था है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया। अप्रेंटिसशिप स्कीम को बेहतर तरीके से लागू करना, यह भी शिक्षा नीति के अंदर बात आई है। और दूसरा, पढ़ाई करते करते कंपनियों के साथ उत्पादक और जो व्यवसाय में लोग लगे हैं उनके साथ एक इंटरफेस, वो भी करना। लोगों अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को इंटर्न के नाते व्यवसायों में भेजना, यह भी आज की शिक्षा नीति में एक नया बदलाव आया है। इन सब बदलावों के चलते ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नेशन का जो, राष्ट्र का जो मूड बदल रहा है, जब हम आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कई बार कई युवा हमसे आकर के पूछते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, अपने देश में उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है, विविध क्षेत्रों में जहां जहां हम इंपोर्ट करते थे उन इंपोर्ट्स को बदल करके हम अपने ही देश में उत्पादन करें, नए नए प्रकार के उत्पादों का, जो मैं कई बार देखता हूं कि कोई उत्पाद विदेश से आता है और बहुत महंगा बिकता है, और हमारे युवा उसको बना करके बहुत सस्ता देश में बेच सकते हैं। अभी सरकार ने 13 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन। जो सामान विदेशों से आता था वो अगर भारत में निर्माण होने लगे तो उसके लिए भारत सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अगले कुछ सालों में 2,00,000 करोड़ रुपया प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। उसके कारण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेकर, टेक्सटाइल से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से लेकर तमाम प्रकार की चीजों को उसमें शामिल किया गया है। और सबसे लेटेस्ट भारत सरकार ने $10 बिलियन का ऐसी योजना बनाई है। $10 बिलियन का मतलब होता है 76,000 करोड़ रुपया। एक योजना बनाई है कि हम पूरी दुनिया से, हमारे देश में कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं बनता है, छोटी सी चिप। जब स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण हुआ तो हमने कहा कि हमें पोटैटो चिप्स नहीं चाहिए MNC से, अगर बनाना है तो कंप्यूटर चिप बनाइए। अब हम कह रहे हैं कि हमें MNC ही नहीं चाहिए, अगर कंप्यूटर चिप बनाना है तो अपने देश में बनाएंगे। इसके लिए अलग अलग मुल्कों के साथ सहयोग की भी बात आ रही, यानी एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने की तरफ हम आगे बढ़े हैं।
और उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हमारे युवा जो अपने आप को अभी तक अनएम्प्लॉयबल समझते हैं, उनको जो नौकरी की तरफ भागते हैं, सरकारी नौकरी हो या बड़ी कंपनी की नौकरी हो, आज उनके दिमाग में एक नई बात आने लगी, वो अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपने उद्योग शुरू कर रहे हैं, अपने उद्यम शुरू कर रहे हैं, और उस उद्यम में एक नए आइडिया के साथ वो आते हैं। वो आइडिया लेकर के, वो कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई आइडिया लेकर के आता है कि दिल्ली में पार्किंग की कमी रहती है, जहां पर हम जाते हैं वहां पार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली होते हैं, वहां पार्किंग नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति ने एक पार्किंग की ऐप बना दी जिसमें सब उपलब्ध है, कहां कहां पार्किंग उपलब्ध है, आप जाकर के वहां पार्किंग कर दीजिए, उसको पैसे दे दीजिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के, मैं यहां पर व्याख्यान देने लगूंगा तो एक बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी कि किस प्रकार के स्टार्टअप्स भारत में हो रहे हैं। वो कृषि के क्षेत्र में है, वो सर्विस के क्षेत्र में है, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, वो एप्स के क्षेत्र में है, बहुत सारे। आज युवा नौकरी नहीं कर रहा, और यहां से हम एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। हमारे युवाओं की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो केवल नौकरी के लिए नहीं है, वो उद्यम के लिए भी है। लेट अस बी जॉब क्रिएटर, व्हाई बी जॉब सीकर्स, हम क्यों नौकरी ढूंढें? हम अपनी अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं और हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। ऐसे देखा है हमने, बहुत सारे युवाओं ने हजारों लोगों को नौकरी दी, ऐसे उद्यम खड़े किए। मैं अंत में इतनी बात कहूंगा कि अभी तक भूमंडलीकरण हो या उससे पूर्व की स्थिति हो, खासतौर पर भूमंडलीकरण के दौरान एक ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश हुई कि अगर देश का विकास करना है तो गांवों से लोगों को बाहर करना होगा, क्योंकि गांवों में उत्पादन नहीं बढ़ सकता, गांवों में उत्पादकता नहीं बढ़ सकती है, इसलिए गांवों से लोगों को बाहर करके शहरों में लाना हो। हम हमेशा से कहते थे कि शहरों में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि अब गांवों से सब लोगों को हम लेकर के आए और उनको उनको एब्जॉर्ब कर ले, हमें गांवों में ही लोगों को ऐसे लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने होंगे और उसके लिए प्रयास करना होगा। अपने देश में क्षमता है, हम कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भारत से ज्यादा कोई बेहतर नहीं बना सकता। आज पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थों की मांग है जो भारत में अगर हम पैदा करते हैं, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों की मांग है, और देश में ऐसे बहुत सारे उत्पादों की मांग है जो गांवों में निर्माण हो सकते हैं। हमें गांवों में मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बैम्बू फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, ऐसे तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार के रोजगार के अवसर वहां हो सकते हैं, और हमारे युवा वहां स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे शिक्षा आज के क्षित समय में हमने एक प्रयास शुरू किया है, और संयोग का विषय भी है, और हम हमेशा से मानते हैं कि हमारे देश में जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में हम अपने देश में अपने युवाओं को अपने उद्यमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करें, और उसमें शिक्षा पद्धति, उसमें हमारी शिक्षा की प्रणाली और उसमें होने वाले बदलाव जो हमने ही करने हैं। कई बार बात आती है कि नई शिक्षा नीति बना तो दी है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं
हमने अपने कॉलेज में तय किया कि जो जब सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो करेगी। इससे पहले ही हमारे कॉलेज के हर विभाग ने तय कर लिया कि हम अपने अपने विभाग में इस शिक्षा नीति को लागू करने का क्या क्या कार्य करेंगे। मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में, मैं उनके एकेडमिक कमेटी में हूं, उस यूनिवर्सिटी ने भी तय कर लिया कि हमने जब सरकार करेगी, लागू करेगी तो करेगी, हम अपने लेवल पर जहां सरकारी सहयोग की जरूरत नहीं है, नीति आ गई है, तो हम उसको क्यों ना उसको लागू करवाने का कार्य करें। तो मैं यहां अपने जितने भी प्रबुद्ध जन बैठे हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, आदरणीय भारत शरण जी, बघेल जी यहां हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जहां जहां पर हम हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे देश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए, हमारे देश के युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए, हमारे देश के युवाओं को जॉब क्रिएटर्स बनाने के लिए ऐसे प्रावधान हैं, उनको उनका अध्ययन करके उनको लागू करवाने का कार्य करें। मैं इतनी सी बात कहता हुआ अपना विषय यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अश्विनी महाजन जी, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी एंड मंच। आपने शिक्षा, रोजगार और वैश्वीकरण के दौर में हम कैसे आत्मनिर्भर बने, इस विषय को हम सबके सामने रखा। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए बड़े ही प्रेरणादायी विषय था और हम सब इसका लाभ लेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आज की इस दत्तोपनी ठेंगड़ी व्याख्यान माला में आपका स्वागत करतु आपका आभार कि आपने हमें समय दिया और बहुत ही अच्छा विषय हम सबके सामने रखा। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल से निवेदन करूंगा कि आज के शुभ अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन देंगे और निश्चित रूप से उनको पूरे मध्य प्रदेश का मार्गदर्शन उनके कार्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। वो शिक्षा में जो एक राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये हो रहा तेजी से हो रहा मैं कह सकूंगा, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हम चाहेंगे कि पूरे और केवल मध्य प्रदेश नहीं, अब तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके प्रमुख के नाते, भारतीय शिक्षा मंडल के प्रमुख के नाते विश्व पूरे भारत के विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन कर रहे हैं आप, और ऐसा ही हो और हम पूरे भारत में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक नींव का पत्थर साबित हो और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले मध्य प्रदेश से युवाओं के प्रेरणाओं के केंद्र बने, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, और अभी हमने जिनका एक महत्वपूर्ण व्याख्यान सुना मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रसोनी महाजन जी, और इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, एवं बड़ी संख्या में जुड़े हुए अध्येता शोधार्थी विद्यार्थी नागरिक गण। वास्तव में मैं अपनी अंतरात्मा से ये कह सकता हूँ, बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमें उधर उमाशंकर पचौरी जी का और अभी अभी डॉक्टर रसनी महाजन जी का सुनने को मिला। शिक्षा में दो बातें मुख्य रूप से आती हैं, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उमाशंकर पचौरी जी ने बहुत ही सुंदर अद्भुत उदाहरण के माध्यम से, राम और भरत और भरद्वाज ऋषि के माध्यम से बताया। वह भी एक वैश्वीकरण का ही भाग है भारतीय शिक्षा का। और आपने बताया कि जहाँ राम आज्ञा के पालन में महान हो जाते हैं, वही भरत आज्ञा की अवहेलना में महान हो जाते हैं। और व्यवहारिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो अश्विनी महाजन जी ने कोई भी
क्षेत्र छोड़ा नहीं। वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, कृषि हो, कौशल विकास हो, व्यवहार आदि आदि सभी प्रकार से बात रखी। अपने यहाँ कहा ही जाता है ईशा वास मिदम सर्वम यत्किं जगत त्यम जगत। तो प्रकृति का दोहन करना वसुधैव कुटुंबकम की बात है, ये तो सब अपने यहाँ कहा ही जाता है, वो सब उन्हीं मान्यताओं पर फेस करने वाले हम लोग हैं। और अश्विनी जी ने बताया कि किस प्रकार से भारतीय वंशी एक तीक्ष्ण बुद्धि टैलेंट की बात है, जिसमें पर्याप्त तो वो गुण है, वो चाहे हम ग्लोबलाइजेशन किसी भी क्षेत्र के ग्लोबलाइजेशन की बात हो, क्यों ना लीडरशिप की बात हो, वो हम हमारी युवाओं में हर तरह से हमारी युवा सक्षम है। लेकिन ये स्थिति तब है जब हमारा जी आर 27% अपन ये कह सकते हैं अपने यहाँ शीशा को तराशो तो आईना बन जाता है, पत्थर को तराशो तो भगवान बन जाता है, और इंसान को तराशो तो पता नहीं क्या बन जाए। ये तराशने का क्रम अभी हमारा जो 27% है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी ऐसे हमारे युवा जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पहुंच पा रहे, वो जिस दिन इनकी संख्या 100% होगी तो हमारे वैश्वीकरण का माप 4 गुना और अधिक बढ़ जाएगा। यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, सैमुअल हटिंगटन की पुस्तक आप लोग सब जानते होंगे, कॉमर्स के आप लोग सब विद्वान है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसका प्रकाशन 1750 में हुआ। और ठीक है आज का जीडीपी उस समय न रहा होगा, लेकिन उत्पादन की बात करें तो भारत का उत्पादन दुनिया का 1/4 यानी 24.5 ऐसा उस पुस्तक में है, और समूचे यूरोप का 18.2 और अनडिवाइडेड यूएसएसआर का 5%। तो उस समय हमारे भारत का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, ये 1750 में ही हमको ध्यान में था। और जब हम वास्तव में हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर था, और जब व्यवस्थाओं का संचालन होता था, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, वो चाहे सोने की बात हो, पाई की बात हो, डेसिमिलल दशमलव प्रणाली की बात हो, वैदिक मैथमेटिक्स की बात हो, या अन्य गणित की बात हो, बोधायन प्रमेय की बात हो, तो ये भारत के द्वारा वैश्वीकरण हुआ। बीच में एक कालखंड आया, उस कालखंड को अपन सब जानते हैं, पराधीनता का, उससे भी मुक्त हुए, और उसके बाद भी एक लंबे दशकों तक, 7-8 दशकों तक वो सब चीजें फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड ही होती रही कि भारत की प्रतिभाओं को इस प्रकार से रोक करके रखा जाए, ऐसा स्वाधीनता से ब्रिटिशर्स चाहते थे, और लगभग उस व्यवस्था से हम मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन सौभाग्य से यानी कि 2020 ये आया, और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय लोगों के द्वारा भारत में बनाई गई ये शिक्षा पद्धति है, और अब एक प्रकार से वह द्वार खुल जाएंगे जो अभी तक बाधित थे। और जहां तक भारतीय शिक्षा और वैश्वीकरण के दौर की बात करें, तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा एक लगभग 100 कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें जॉन पियर लेहमन उपस्थित थे, और जब सोशल सिक्योरिटी की बात आई और ये कहा गया कि तमाम देशों का एक बहुत बड़ा बजट सोशल सिक्योरिटी के नाम पर व्यय होता है, वो चाहे चाइल्ड केयर की बात हो, सीनियर सिटीजन केयर की बात हो, और जब भारत का नंबर आया, भारत की बात आई, तो बताया गया कि भारत में इस प्रकार के बजट का प्रावधान ही नहीं है। भारत वर्ष में प्रत्येक बच्चा अपने घर में
माँ बाप दादा दादी के लाड़ दुलार दुलार में पलता बढ़ता है और तैयार होता है, इसके लिए शासन के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आता। और इसी प्रकार से हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर को समझते हुए वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, वह भी अपने बढ़िया लाल द्वार के साथ नाती पोतों के साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है, अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं अब आज इस वैश्वीकरण भौतिकवाद के युग में आ रही है, सिटीजन ओल्ड सिटीजन होम के बाद, लेकिन वो कोई एक मान्यवाद आधार नहीं है, अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार से ये सब संभव हो पाता है भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत में जिस प्रकार से लोग तैयार हो रहे हैं, भारत की मॉरल वैल्यूज की बात है, एथिक्स की बात है, ट्रेडिशन की बात है, तो यदि विश्व को वास्तव में एक सर्वमान्य हल और सोशल सिक्योरिटी से निजात पाना है तो भारत की ओर उनको देखना चाहिए। और भारत में जिस प्रकार से मान्य परंपराएं हैं, मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, वो सब रामायण में, महाभारत में और अभी उमा शंकर जी ने उसका व्याख्यान कर ही चुके हैं, और उसको यदि हम लागू करेंगे तो केवल सोशल सिक्योरिटी की नहीं तो कई बातों का समाधान उसमें हो जाएगा। और जहां तक और भी वैश्वीकरण की बात है, भारतीय शिक्षा की बात है, तो अभी हमने देखा 500 वर्षों का एक लंबित कार्य अयोध्या में पूर्ण हुआ। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जो अब उसका व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि शब्द यात्रा करते हैं, विचार यात्रा करते हैं, संस्कृति यात्रा करती है, हम जहां जाते हैं तो हमारे साथ ये सब जाते हैं। बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ दिन रह करके इन सब चीजों से अभिभूत होते हैं और वो बाहर जाते हैं तो इसको होकर वो ही लेकर के जाते हैं। अब कल्पना करिए कि अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और भारतवर्ष का अत्याधुनिक केंद्र बनने जा रहा है। एक भारत के बाहर जो भारतवंशी है करोड़ों की संख्या में और इतने लोग आएंगे तो स्वाभाविक है वो रामायण महाभारत, राम का संदर्भ, भारत का संदर्भ है, यहाँ की ज्ञान परंपरा से उनका एक साक्षात्कार होगा। और जब यहाँ से वो बाहर जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, तो इन बातों को वो सब लेकर के ही जाने वाले हैं। अभी अश्विनी महाजन जी ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात कही। वास्तव में ये जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया और जब से ये विषय आया कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, तो स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न उठा और कई बार हम लोगों के सामने भी ये विषय आए। अभी तक जो प्राथमिक शिक्षा का प्रचलन है वो है लगभग 11-12 पांचवी तक का है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन की बात है इसमें प्री स्कूलिंग के 3 और आज के प्राथमिक के 2 वर्ष, यानी ये लगभग 6-7 वर्ष की आयु में पड़ता है। तो लोगों के कंफ्यूजन दूर बाद में हुआ कि अच्छा अच्छा हमारा बालक 12 वर्ष के बाद अंग्रेजी नहीं, 6 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी पढ़ सकता है। एक विज्ञान भी मानता है कि मस्तिष्क का विकास 6 वर्षों तक ही होता है, 6 वर्ष बाद यानी न्यूरॉन सेल्स कैन नॉट बी रिपेयर और बाकी पूरे सराउंडिंग्स वातावरण से ही उसको प्राप्त होता है। और ये प्राइमरी एजुकेशन में यही उम्र रहती है। और हमारे भारतवर्ष के जाने माने विद्वान चिंतक विचारक ने एक उदाहरण के माध्यम से, मैं सुदर्शन जी का इशारा कर रहा हूं, उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से मदर टंग का प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क, इमोशंस, फीलिंग, भावार्थ, शब्दार्थ,
गूढ़ार्थ में आता है और उन्होंने कोटेशन दिया एक मीरा का भजन, और मीरा का नाम आता है तो मीरा की प्रोफाइल हमारे सामने आती है। फिर गिरधर गोपाल की बात आती है तो गिरधर का अर्थ, गिरधर सुनने से हमको वह गोवर्धन पर्वत धारण करने हुए आकृति हमारे मस्तिष्क में बनती है, जो स्वाभाविक है माउंटेन बियरर कहने पर वह आकृति नहीं बनेगी। गोपाल गोपाल कहने पर जे गो वंश के मध्य भाषण बताते हुए छवि कृष्ण की आती है, वह छवि काउमैन काउबॉय शेफर्ड केयर टेकर अटेंडेंट हर्डमैन हर्डर, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े शब्द अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन के हो, लेकिन गोपाल का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। और मोर पंख को हम क्राउन विथ पिकॉक फेदर, क्राउन विथ गोल्ड सरिया, क्राउन विथ सिल्वर सरिया, पिकॉक फेदर कुछ भी कहें, लेकिन मोर पंख जो कृष्ण के मस्तिष्क में दिखाई देती है उसका विकल्प नहीं बन सकता। और ये तभी संभव होगा जब हम प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दें। और जहां तक ग्लोबलाइजेशन इंडिजिनस फेथ की बात है तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया, और अपने आप वो चाहे पदवेश बाहर उतारना चाहिए, ये तो अपने आप पहले से ही है, टूज पुट इट आउट, पदवेश बाहर उतारिए, नमस्कार नमस्तुभ्यम, नो शेकिंग हैंड, ये तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि नमस्कार ही करना चाहिए, और हस्त प्रक्षालन करते रहिए, और इसके साथ वो चाहे आयुर्वेद इंडियन मेडिसिन टर्मेरिक कई चीजें हैं, तो योगा, तो इस प्रकार से इनका अपने आप भारतीय ज्ञान शिक्षा का वैश्विक संचार हुआ है। तो मैं समझता हूँ, मैं तो उसे विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और आप लोगों का स्नेह है, देवेंद्र प्राय है, स्मरण करते रहते हैं, और तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैं पुनः इस व्याख्यान में हमको जिस प्रकार से वो चाहे नैतिक शिक्षा मॉरल वैल्यूज एथिक्स की बात उमा शंकर जी के द्वारा आई हो, और व्यवहारिक शिक्षा कौशल और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जिसको अश्विनी महाजन जी न छुआ होगा। और मैं यही कहूंगा कि जितने भी शोधार्थी और वैज्ञानिक विचारक इस वेबिनार में जुड़े हैं, बस यही संदेश लेकर के जाए कि हमें नौकरी के कतारों में नहीं खड़े होना है, बल्कि अपने पैरों में खड़े होना है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ है यूनिवर्सिटीज के सेंटर भारत से बाहर, और कुछ भारत के विश्वविद्यालय केंद्र भारत के अंदर बने, तो उसी प्रकार से लाइन की कतारें वीजा लेने वालों की बने। यह सब संभव हो पाएगा हमारे और आपके द्वारा। लोग कहते हैं कितनी बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर पाएंगे, यदि चुनौती बड़ी है तो चुनौती का सामना करने वाले लोग कम है क्या? 130 करोड़ के तब काम आएंगे, इसी के करियर बने, इसी के संवाहक बने। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। विज्ञान और शिक्षा व आदर्श शिक्षा का विषय आपने हम सबके बीच में रखा, और निश्चित रूप से शिक्षा यानी संवाद, वो जब तक संवाद होता रहेगा, जब तक शिक्षा में मंथन होता रहेगा, तो अमृत ही निकलने वाला है। और भारतीय शिक्षा का मूल आधार ही यह है कि लोगों के विषय एक दूसरे तक आने चाहिए, और विषय से जो अमृत निकलता है उसको ग्रहण करना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर हमारी ये व्याख्यान माला उस राष्ट्र ऋषि को समर्पित है, स्वर्गीय श्री दत्तोपन्यु ठेंगड़ी, जिसने भारत के सम्मुख ही नहीं, विश्व के वह देश जो विकास की ओर अग्रसर हैं, जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जो आने वाले समय में दौड़ रहे हैं, उनके सामने जो चुनौती आ रही थी उसके विषय में हम सबको बताया था, और उन्हें स्पष्ट कर दिया था
कि वैश्वीकरण ठीक समुद्र के उन व्हील मछलियों उन मगरमच्छ के जैसा है, वह छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती है, जीव जंतुओं को निगल जाती है। ये वैश्वीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, ग्लोबल मार्केट के नाम पर जिस तरह वो अपनी आर्थिक नीति, शिक्षा की नीति छोटे देशों पे थोप रही है, वह ठीक नहीं है। और ऐसे समय में जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि हमको अपनी सशक्त, अपनी शिक्षा को सशक्त करना पड़ेगा, अपने आदर्श को सशक्त करना पड़ेगा, हमारे युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, तभी वो इस वैश्वीकरण के नाम पर जो भारत में हमला हो रहा है उस हमला का मुकाबला कर सकेंगे और हमारे युवा सशक्त होकर विश्व के मंच में विराजमान होंगे और ऐसे विकसित देशों की चालों का हम मुकाबला दे सकेंगे। शिक्षा को हमको व्यवसाय से दूर करने की आवश्यकता है। अगर हमने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया तो निश्चित रूप से समाज का, देश का वह वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और ये जो वैश्वीकरण के नाम पर एजुकेशन को इंडस्ट्रीज बनाने का दौर चल रहा है, उस इंडस्ट्रीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक गरीब का, एक आम व्यक्ति का जो शक्ति होती है वो शिक्षा होती है और शिक्षा से ही एक व्यक्ति का निर्माण होता है। इसलिए हम भारत का इतिहास देख लें, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो हमारे गांधी हो, अम्बेडकर हो, विवेकानंद हो, उनका मूल आधार शिक्षा था और शिक्षा के माध्यम से केवल भारत नहीं विश्व के मंच पे विराजमान हुए थे। उनका केवल एक ही कहना था कि हमारा जो विषय जन जन तक पहुंचाना, पहुंचाए जाए, और एक विवेकानंद नहीं, इस देश में अनेकों विवेकानंद पैदा हो जाए, अनेकों अंबेडकर पैदा हो जाए, अनेकों दत्तोपंजी पैदा हो जाए, अनेकों डॉक्टर हेडगेवार पैदा हो जाए, अनेकों दीनदयाल पैदा हो जाए, तो निश्चित रूप से विश्व का मार्गदर्शन केवल और केवल भारत करता था, भारत करता है और भारत ही करेगा, क्योंकि भारत के अंदर स्वार्थ नहीं है। केवल पूरे विश्व के अंदर विश्व के कल्याण की बात करने वाला, विश्व के जय जयकार करने वाला, इस पर्यावरण की चिंता करने वाला, जल जंगल जानवर की चिंता करने वाला अगर कोई देश है तो केवल वो भारत ही है और भारतीय शिक्षा पद्धति है। आज ये स्पष्ट हमारे अध्यक्ष महोदय ने, मुख्य वक्ता महोदय ने, मुख्य अतिथि महोदय ने कह दिया, ये स्पष्ट होता है कि आज भी हमारे अभी की भी 122 लोग हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हैं, इस संगोष्ठी में, इस व्याख्यान माला में हैं। हम सभी अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, और आज के इस संगोष्ठी में जितने भी प्रोफेसर हैं, संगठन के प्रमुख व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ बहुत से वरिष्ठ लोग भी जुड़े हैं, उन सबका आभार कि आपने इस संवाद को समय दिया और इस मंथन को समय दिया, और जो इससे हमको अमृत है वो सब हम सब अमृत को ग्रहण करेंगे और भारतीय शिक्षा की जय जयकार करेंगे, जिससे समाज का निर्माण हो सके, राष्ट्र का निर्माण हो सके और भारत पुनः विश्व गुरु तो था है रहेगा, परंतु जो कमी उस कमी को दूर करें, इसी आशा और विश्वास के साथ हम ये गोष्ठी आप सबके आभार के साथ, हमारे जिस गोष्ठी में, इस व्याख्यान माले में लोग जुड़े, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम इसको यहीं विराम देते हैं। लेकिन इस संवाद को विराम नहीं देंगे, गोष्ठी चलती रहेगी, शिक्षा का विषय चलता रहेगा, परंतु यह जो विषय आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि हमने ये फीडबैक में एक फॉर्म भेजा है, उसको प्लीज आप फिल कर दीजिए और उसी के बेस में हम आप सबको प्रमाण पत्र और आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते रहेंगे। ये मैंने पुनः आपको ये भेजा है, इसमें अपने बेसिक डिटेल थोड़ा भेज देंगे आप,